दीघा यादव नगर के दबंग नगर सेवक रहे राम आशीष यादव ने जब से बीजेपी और गणेश नाइक को छोड़कर शिवसेना का भगवा थामा है तब से उत्तर भारतीय समाज उनके खिलाफ हो गया है। यादव के कभी सहयोगी रहे सुरेश पाल ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना में जाकर राम आशीष यादव ने मुंबई के लाखों उत्तर भारतीयों के सम्मान को कलंकित किया है, इसलिए मनपा चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। नवीनभाई यादव नगर के दबंग नगर सेवक रहे ये वही राम आशीष यादव हैं जिन्होंने शिवसेना का भगवा थामकर नवीनभाई के लाखों उत्तर भारतीयों को नाराज कर दिया है। कभी उनके सहयोगी रहे हिंदी भाषी नेता सुरेश पाल का खुला आरोप है कि उत्तर भारतीयों को पिटवाने और अपमानित करने वाली शिवसेना में जाकर राम आशीष यादव ने न सिर्फ यादव समाज बल्कि समस्त उत्तर भारतीयों के सम्मान को कलंकित कर दिया है। सुरेश पाल ने कहा कि राम आशीष यादव के क्रियाकलाप हमेशा ऐसे रहे जिनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और हिंदी भाषियों को अपमानित होना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने दल बदल कर यादव नगर की जनता के साथ बड़ा विश्वासघात कर दिया है जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो राम आशीष यादव जी शिवसेना में चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे उत्तर भारत समाज को लेकर के उन्होंने शिवसेना में चले गए। आपको पता होगा कि सर शिवसेना ने कितनी बार उत्तर भारतीयों को प्रांतवाद अलग अलग तरीके से उनके विचारों को ठेस पहुंचाया है। राम आशीष यादव जी ने जो उन्होंने लोगों के साथ अन्याय किया, समाज के साथ अन्याय किया, उन्होंने स्वतः के समाज के साथ भी अन्याय किया। उनके जो कार्यकलाप थे, उनके जो विचारधारा थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर स्वतः के समाज को ही उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने पूरे नई मुंबई ही नहीं पूरे मुंबई में रहने वाले सारे उत्तर भारतीयों के विचारों को और सारे उत्तर भारतीयों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। आप देखे होंगे कि उनको कितनी बार उनके कार्यकलापों की वजह से जेल जाना पड़ा, उन्होंने कितने लोगों के साथ अत्याचार करे, कितने लोगों के साथ भावनिक उनको चोट पहुंचा करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया और आज भी वो अकर भी रहे। बताना जरूरी है कि दीघा के यादव नगर में राम आशीष यादव का मुकाबला हमेशा ही शिवसेना के विजय चौगुले गुट के साथ रहा है। दर्जनों केस और मुकदमे इसी राजनीतिक रंजिश में किए गए हैं, इसका खुलासा खुद राम आशीष यादव भी करते रहे हैं, बावजूद वे शिवसेना में गए जिससे जनता नाराज हो गई। सुरेश पाल ने कहा कि अच्छा हुआ गंदगी चली गई, अब अच्छे विचार के लोग बीजेपी नेता गणेश नाइक के साथ जुड़कर अच्छा काम करेंगे। सुरेश पाल ने भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें मनपा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रतिनिधित्व दिया गया तो वे उत्तर भारतीयों पर लगे इस कलंक को धोने के साथ ही उन्हें सम्मान दिलाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा हुआ चले गए, अभी तो दादा के साथ में खुल करके लोग अच्छे विचार के लोग जुड़ रहे और जुड़ेंगे। आपको वादा करता हूं कि राम आशीष यादव ने जो उत्तर भारतीयों को मान सम्मान को गिराया है, उनके संस्कार को, उनके विचारों को कलंकित किया है, अगर मुझे प्रतिनिधित्व मिला तो नई मुंबई नहीं, थाना, डोंबिवली, कल्याण, मुंबई, यूं कहिए कि महाराष्ट्र और उत्तर भारत में भी इसके लिए मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा कि जो हमारे हिंदी भाषी हैं उनको न्याय दिलाऊंगा और उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है उसको मैं छवि को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।